हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार अभी क्लास आया हुआ था ये वाले हॉस्पिटल, क्लास तो अपनी हो गई है, पल्मोनोलॉजी की क्लास थी अपनी। और भाई साहब सर्दी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो गई है ना, अभी -12 डिग्री सेल्सियस है, मेरे हाथ जम रहे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और भाई साहब आज हम एक मज़े की जगह पर जाने वाले हैं, हम जाएंगे बर्ड मार्केट। और स्नो फिर से गिरना स्टार्ट हो गई है भाई साहब, और आप सोच रहे हो क्योंकि बर्ड मार्केट क्या लेने जा रहा है, तो यार कुछ पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करेंगे, वहाँ से जिंदा मुर्गियाँ मिली अपने को तो वो भी भाई कटवा के ले आएंगे। यार अभी बर्ड मार्केट आया हुआ हूँ लेकिन पोपट हो गया। बर्ड मार्केट का हाल ये है, सुनसान पड़ी हुई है, सैटरडे संडे को लगती है, मुझे पता ही नहीं था यार, मैंने बस देखा 2GS से मैं आ गया हूँ। यहाँ पे थोड़े से बर्ड्स हैं, आपको दिखाता हूँ, तोते शोते हैं 2-4, मुर्गी तो नहीं मिली लेकिन ये कबूतर फेर रहे हैं, इनको ही ना पकड़ के खा लें। ये रहे जी तोते शोते, और ये भाई साहब ये चूहे हैं छोटे छोटे मेरे ख्याल से। ओए होए होए, ये देखो कितना प्यारा चूहा है। मैं इतना बड़ा पेट लवर हूँ ना, आप लोगों की सोच है, मतलब मुर्गियाँ, तोते, कबूतर, बिल्लियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ तो नहीं यार, कुत्ते शुत्ते सब पाले हुए हैं। पाकिस्तान में होता तो भाई साहब अभी भी कार्रवाई करते होना था, लेकिन यहाँ पे कजाक में अभी ये मेरे को तोतों का रेट पता क्या बोल रहा है, कहता कोई अपना पाकिस्तानी 6,000 रुपये के 3 तोते, इनकी एक्चुअल प्राइस ये 1200 के होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1200 के, बच्चे हैं अभी। अच्छा, One hour later. यार अभी घर आ गया हूँ मैं, तो नाश्ता वाश्ता करते हैं, अपने पास है ये नूडल्स ये वाले, और भाई साहब उसके अलावा मिल्क शेक बनेगा। लेकिन किचन को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, ये देख रहे हो कितना गंदा हुआ पड़ा है, ये सोहेल और फराज की गलती नहीं है भाई साहब, उन्होंने तो बस बर्तन ही धोने, ये हमारी गलती। जैसे ये मैंने किया, मैंने उस दिन पराठे बनाए तो भाई साहब उसको इसको साइड पे ही नहीं किया। और इसके अलावा सोहेल काजी ये अभी करके गया है, इसको चाहिए था डस्टबिन में फेंक देता, क्या ही हो जाता है उससे। ये पता नहीं किस भोसड़ी वाले ने किया, ये भी सारा गंदा पड़ा। 20 मिनट्स लेटर, अपने तगड़े से नूडल्स बन गए हैं, ये चेक करो जी, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खा के देखेंगे क्या सीन है। और अपना यहाँ पे मिल्क शेक भी बन गया है, अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद माइट भी मुझे जलोनी जाना पड़ जाए, बिकॉज हमारे पास सामान नहीं है। ये उधार के मांगे चावल ही हैं, ठीक है, थोड़े से ये भी रह गए, इसकी भी खीर हमने बना ली थी, तो भाई साहब खाली है सारा सीन, ये देख रहे हो। फिर उसके बाद ये भी, फ्रिज का तो सत्यानाश ही हुआ पड़ा है, कुछ नहीं है इसमें, तो इसको ला के भरते हैं। 72 hours later. यार नाश्ता करने के बाद मैं सो गया था, अभी उठा कोई 4-5 घंटे बाद, हमने जलोनी भी जाना था, जलोनी भी मिस हो गया। खैर मुंह शू धो के दाढ़ी शाड़ी काट के आपका भाई किचन में आ गया, डिनर की कार्रवाई कर दें। तो डिनर में अपने पास भाई व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा, इसका चिकन शिकन मैंने काट के मैरिनेट कर लिया, और सोहेल काजी यहाँ पे चने शने बॉयल कर रहा है। भाई आज भी नहीं हमारे घर डिनर बन रहा जैसे कंबाइन में हम बनाते हैं ना, कि यार लाइक कोई भी कढ़ाई शढ़ाई बिरयानी शिरयानी, तो हर कोई अपना हिसाब से आज खाना बनाएगा, हर किसी को आज़ादी है जो मर्जी बना के खाए, क्योंकि अपने पास मैस में सामान ही नहीं है। तो कल जाएंगे जलोनी, वहां से सामान खरीद के लाएंगे, फिर भाई घर घर हस्ती वाला सही सीन करेंगे सेट। मतलब आपको व्हाइट सॉस पास्ता मैंने बना लिया, ये चेक करो जी, दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, खा के बताता हूँ। मजा आ गया। यार अभी जा रहा हूँ मैगनम कुछ सामान उठाने, सामान क्या उठाना है, क्रेविंग हो रही थी आपके भाई को बहुत खतरनाक, तो चीटोज उठा के लाते हैं, और भाई साहब गुरीला शुरीला। अच्छा ये बराबर एक आधा दिन हो तो अच्छी लगती है, अगर इससे ज्यादा हो तो भाई साहब अजियत लगना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा ठंड है भाई साहब, मौत का मकाम है। ये रही जी अपनी गुरीला, एक बहुत है, दो चीटोज उठाते हैं, ओ इसको यहाँ भी रखते हैं। यार अभी लस्सी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही कहीं पे। The next day. यार अभी आए थे जलोनी, छली छली यस करा रहे हैं मैं और छोटू, हमने सामान लेना है यहाँ से, चावल शावल ये वो, तो शॉपिंग करते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे कहीं और। 3 hours later. तो सामान हमने सारा जमा कर लिया है, ये देख रहे हो कोई 10-15 दिन का हमने सामान जमा कर लिया है, अभी चलते हैं घर। Yeah.
living life every day, late at night, not okay, all I want. यार घंटा दो घंटा हो गया, घर आ गया हूँ मैं अभी। भाई साहब नाश्ते का कोई प्रबंध करते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो यहाँ पे मैंने भाई साहब मटन निकाल ली है, इसकी यखनी बना के यस कराते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ भाई साहब पेट में जाएगा, फिर अपने को तसल्ली होगी। डिनर बनने में तो अभी काफी टाइम है, कोई ऑलमोस्ट 9:30 बजे बनेगा। यार काजी मछली के अंडे लाया है, ये चेक कर रहे हो काजी, इसका क्या सीन है भाई? सैल्मन फिश एक भाई फिश ऑयल होता है ना, चेक करके बता मेरे को कैसा है, फिर मैं भी खाऊंगा। अरे अच्छा चल मैं ही खा लेता हूँ पहले। यार बहुत गंदा था काजी, भोसड़ी चौध ये क्या खिला दिया मेरे को। यार यखनी मैंने बना ली है, ये चेक करो जी, ये एज अ ब्रेकफास्ट ही हम कर रहे हैं। सुबह से वो छली खाई हुई थी, उसके अलावा तो कुछ खाया पिया नहीं था। अभी डिनर शिनर का वेट करते हैं, यादव आएगा तो बनाएगा वो। 3 hours later. यार अभी टाइम हो रहा है 11 और डिनर अपना बन गया है। डिनर में अपने पास है जी दाल और साथ में राइस, ठीक है। आप कह रहे होंगे अजीब ब्लॉग है भैंस, 24/7 में 10 बार खाने खा चुका है, यार क्या ही दिखाऊं। बाहर जाऊंगा तो भाई अंजर पंजर सब लाइक जम जाना है, इतनी बाहर सर्दी है, तो दिखाने के लिए यही कुछ है, अपनी रूटीन यही है आजकल। अभी मेरा मीठे का भी कुछ दिल कर रहा है, वो भी बनाते हैं, खीर शीर यस कराएंगे। अभी एक छोटा सा मसला हो गया, दूध को मैं बॉयलर पे लगा के गया था तो भाई सब सारा गिर गया यहाँ पे, इसको साफ करते हैं अच्छे से और व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो भाई को। मिलते हैं किस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।